नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले शुरू हुए सबसे बड़े शोर पर अभी भी किसी का जोर नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र के बीच दोस्ती यारी दूर की पहाड़ी मालूम पड़ रही है। दोनों ही खेमे ना चाहते हुए भी इस सियासी भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो किसी से नहीं डरती हैं और ना ही किसी के सामने झुकेंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें 3 साल के लिए अपना प्रमुख सलाहकार बना लिया है। इसके बाद भी केंद्र की ओर से उन्हें रिमाइंडर भेज दिया गया और पूछा गया कि सोमवार को दिल्ली बुलाया गया था और आप क्यों नहीं आए। इसका वो क्या जवाब देंगे ये वो खुद जानते होंगे, दीदी जानती होंगी या भगवान जानता होगा, लेकिन जनता क्या जानना चाहती है वो ये है कि ममता दीदी अपनी जितनी एनर्जी सेंटर से लड़ाई में खर्च कर रही हैं, प्रदेश पर वो ध्यान कब देंगी। चुनावों तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद भी सेंटर और राज्य की लड़ाई में जनता की कौन सुनेगा, ये वो सवाल है जिनका कोई हालचाल नहीं है। इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो आप नहीं दे सकेगा, इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना चाहता है क्या, डराना चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक कट्टा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्य सचिव रहे अलापन रिटायर हो गए और केंद्र ने उन्हें दिल्ली आने के लिए कहा। उन्हें सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस में रिपोर्ट करना था, लेकिन बंदोपाध्याय नहीं पहुंचे और विवाद की गाड़ी और आगे बढ़ चली। दरअसल पूरा विवाद पिछले हफ्ते शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास चक्रवात से हुए बंगाल में नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरे के दौरान एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल के मुख्य सचिव अलापन के देरी से पहुंचने के बाद विवाद शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी नेताओं तक ने ममता बनर्जी पर हमला बोला था। बाद में केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव अलापन का ट्रांसफर दिल्ली कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर जोर किसका ज्यादा है, इस गहमा गहमी में जीत कौन रहा है। तो स्टैंड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ज्यादा मजबूत है, लेकिन नुकसान सिर्फ बंदोपाध्याय का हो सकता है। अखिल भारतीय सेवा के तहत बंदोपाध्याय कल तक केंद्र के अंडर थे, तो उन्हें केंद्र की तरफ से नोटिस भी भेजा जा सकता है, लेकिन आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार है, प्रमुख सलाहकार है। तो ऐसे में केंद्र का रिमाइंडर भेजने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब तो उनके अंडर आते ही नहीं है। तो क्या इस बात की जानकारी केंद्र के किसी आदमी को नहीं थी कि इस रिमाइंडर का क्या मतलब है या मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब वो केंद्र के अंदर आते ही नहीं है? तो बिल्कुल इस बात की जानकारी केंद्र के लोगों को थी, और बिल्कुल थी, लेकिन इसके पीछे एक पेच फंस गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा मीटिंग होनी थी उस दिन बंदोपाध्याय सेवा में थे। जिस दिन उनको दिल्ली आने के लिए कहा गया, मतलब सोमवार, वो उनका आखिरी दिन जरूर था, लेकिन वो उस दिन भी सेवा में थे। तो इस वजह से उन पर अनुशासनहीनता का मसला बनता है जिसके लेकर केंद्र कार्यवाही कर सकता है। ममता बनर्जी शुरुआत से ही अलापन के साथ मजबूती से खड़ी हैं। उनका कहना है कि जब केंद्र ने पहले अलापन को सेवा विस्तार दिया था तो अचानक से उनका मन कैसे बदल गया जो वो उनको दिल्ली बुलाने लगे हैं। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि कोरोना और रियाज के कहर के बीच उनको बंदोपाध्याय की जरूरत है और वो उनको कहीं भेजने के मूड में नहीं है। पूरा मसला सियासत का है, प्रधानमंत्री की नाराजगी है जिसकी वजह से बात यहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन आखिरी वक्त में ममता दीदी ने उनको सिर्फ प्रमुख सचिव से, माफ कीजिएगा, मुख्य सचिव से प्रमुख सलाहकार में शिफ्ट ही नहीं किया है, बल्कि केंद्र से राज्य के अंडर भी शिफ्ट कर लिया है। फिर सवाल तो बनता है कि केंद्र जो ये रिमाइंडर भेज रहा है इसका भी तो कोई मतलब होगा ना, ये कोई ग्रीटिंग कार्ड तो है नहीं। तो इसका जवाब है कि ये पूरा फसाद या तो ट्रिब्यूनल जाएगा, जो केंद्रीय सेवाओं के लिए जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है वहां जाएगा, या फिर हाईकोर्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राज्य सरकार पीछे हटे ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की सियासत की। विधानसभा चुनावों में बीजेपी से टक्कर में ममता दीदी अपना कैलिबर दिखा चुकी हैं। वो कितनी ताकतवर नेता है ये भी सबके सामने है, लेकिन ये सियासी लड़ाई अभी दायंड होते नहीं दिख रही। ममता बनर्जी ने 9 सियासी पेच चलाए,
जिन पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, तो पहला पेज दीदी की ओर से यह चलाया गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सूचना देरी से दी गई थी, जिसके कारण वो देरी से पहुंच सके। तो बीजेपी ने कहा है कि यास तूफान आने के बाद पीएम का दौरा था, तूफान आने के बाद ही उसकी समीक्षा के लिए दौरा किया जा सकता था, ये चीजें कम समय में ही होती हैं, ये दौरा पहले से तय नहीं था, तो सूचना भी दौरा कार्यक्रम बनने के बाद दी गई। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दौरा था, दोनों जगह एक ही वक्त में सूचना दी गई, उड़ीसा के कार्यक्रम में कोई समस्या नहीं आई। वहीं दूसरा पेज है कि ममता दीदी का कहना है कि जब वो कार्यक्रम में पहुंची तो उनको इंतजार करवाया गया, लेकिन सेंटर के सूत्रों का भी साफ कहना है कि वो प्रधानमंत्री के आने के बाद वहां पहुंची और उनके आने से पहले ही निकल गई। वहीं अगला आरोप ममता दीदी ने यह लगाया है कि अलापन बंदोपाध्याय को एक तरफा फैसला लेकर हटाया गया, जो कि गलत है। इसमें राज्य सरकार से भी सलाह मशवरा किया जाना चाहिए था, 3 महीने का जो विस्तार दिया गया उसको भी पलट दिया गया। इस पर सेंटर से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अलापन बंदोपाध्याय अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े व्यक्ति थे और उनको दिल्ली बुलाने का फैसला संविधान के अंतर्गत है। तो ये जो पूरी खिचड़ी पकी है, इसके कई सियासी मायने हैं, क्योंकि इसमें दाल चावल अगर सेंटर और स्टेट है तो हल्दी का काम किया है सुवेंदु अधिकारी। जी हाँ, वही ममता वर्सेस सुवेंदु वाले सुवेंदु अधिकारी। दरअसल ममता दीदी प्रधानमंत्री की समीक्षा मीटिंग में इस वजह से देरी से पहुंची थी क्योंकि वहां सुवेंदु अधिकारी मौजूद थे। समझिए, ममता दीदी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पहले ही हामी भर दी थी, वो कार्यक्रम में आने के लिए पहले ही तैयार थी, लेकिन जब उनको जानकारी हुई कि वहां सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं, तभी स्थिति बदल गई, क्योंकि ममता दीदी पहले ही राज्यपाल से कह चुकी थी कि अगर मीटिंग में सुवेंदु अधिकारी आते हैं तो वो इस मीटिंग का बॉयकॉट करेंगे, और उन्हें किया भी कुछ ऐसा ही। तो प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक बात कहता हूं, सोचिएगा, ये नेता सिस्टम, ये फेडरल गवर्नमेंट और एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की लड़ाई, वो भी क्यों? क्योंकि इसकी आपस में बनती नहीं, क्योंकि इनमें से किसी की भी आपस में नहीं बनती, इसलिए ये पूरा झगड़ा है। लेकिन जनता जब कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही हो, लोग यास जैसे तूफान का कहर झेले हों, तब उनके नेता इस तरह की कटुता पाले हुए हैं, ये विचार कि जनता जनार्दन है, नेता सेवक है, ये जिस भी किताब में लिखा है, कलम में झूठ की स्याही भरी गई होगी। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।